हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होगी, आपका पाथ क्लियर होगा. आज इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अपॉन द ऑप्शनल सिलेक्शन का जो तरीका है कि किस तरीके से, किस वे से आप ऑप्शनल को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम जज कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शनल पे हम जाएं. आम तौर से ये चीज़ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दो तीन ऑप्शनल में जो है कंफ्यूज होते हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजी लें या ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया है तो इकोनॉमिक्स लें या कॉमर्स लें. जो भी कंफ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में ब्रीफ तरीके से डिस्कस करके आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उस कंफ्यूजन को, उस केओस को दूर किया जाए सो दैट कि आपको ऑप्शनल सिलेक्शन, बिकॉज ये ऑप्शनल ये भी एक चीज़ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल हमको सेलेक्ट करना कब है. जिस भी व्यूअर्स ने, जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरी यूपीएससी स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी है उनको पता होगा वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. लेकिन इस वीडियो में भी टू सम एक्सटेंट जितना पॉसिबल है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा टाइम है, क्या ऑप्शनल प्री रिजल्ट के बाद हमको सेलेक्ट करना है. और प्री का ये भी हमको जानना है, प्री और मेंस का जो डिस्टेंस है, जो नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है आप मान सकते हैं 90 से 100 दिन का, डिपेंडिंग अपॉन यूपीएससी. एक जनरल एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ जो कि घट बढ़ सकता है, कम्प्लीटली यूपीएससी का डोमेन है वो. यहाँ पे हमको देखना है कि 90 से 100 दिन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं. हमको प्रेशर भी देखना है, आंसर राइटिंग भी देखना है, ऑप्शनल भी देखना है, करंट अफेयर्स को भी अपडेट करना है, प्लस अपने एससी को भी प्रैक्टिस करना है. बहुत से लोग एथिक्स पहले नहीं करे होते हैं, एथिक्स को करना है. और ऑप्शनल 250 नंबर के दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें कितना एफर्ट हमको पुट इन करना है. जब हम बात करते हैं 250 नंबर की, 250 प्लस 250 नंबर के दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2. आपको अगर आइडिया होगा तो मैं बता दूँ लगभग 1100 और 950, 1050 के आसपास जिसके नंबर आते हैं वो ऑलमोस्ट जो है टॉपर के लिस्ट में जो है वो आता है ना. और यहाँ पे 250 नंबर का एक पेपर है पेपर 1, 250 नंबर का एक पेपर है पेपर 2, तो 500 नंबर का लगभग बोला जाता है और है भी जो कि ऑप्शनल है 500 नंबर्स का. और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि लगभग अगर हम 1000 नंबर के आसपास पहुँचते हैं तो हमारी जो रैंक है वो बहुत अच्छी रैंक बनती है, अप्रॉक्स जो एक ट्रेंड देखने को मिलता है, वो घट बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी. तो इसका मतलब है कि ऑप्शनल का जो गेम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए, किसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ना, बहुत से बच्चे जो कि तैयारी करने का सोच रहे होते हैं या भी स्कूल में है या ग्रेजुएशन में है, उनको नहीं समझ में आता है कि ऑप्शनल को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना है और कब से इतनी इम्पोर्टेंस देनी है, कब से उसकी पढ़ाई करनी है एंड जब हम उसके लिए रेडी हैं तो उसको सेलेक्ट कैसे करना है. बिकॉज चेंजिंग द ऑप्शन, आप बहुत से टॉपर्स को सुने होंगे कि हम पहले एक सब्जेक्ट लेके तैयारी कर रहे थे तो अच्छा नंबर नहीं आ रहा था, सिलेक्शन हो भी रहा था तो डिजायर्ड सर्विस नहीं मिल रही थी, फिर मैंने ऑप्शनल चेंज किया. तो देखिए, ये चेंज की जो नौमत है, जो चेंज की जो प्रक्रिया है वो ना करना पड़े वही बेहतर है. लेकिन अगर रॉन्ग सिलेक्शन या बाद में लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है. लेकिन उस चीज़ को हमको अवॉइड करना है, पहले ही हमको उस पाथ को क्रिस्टल क्लियर व्यू लेके एंड तब उसके अंदर एंटर करना है. उस चीज़ को हमको इस वीडियो में, मैं ये आपको एक ओवरऑल बताया कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं इन चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप आगे तक देख सकते हैं. और अब अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल एंड इट्स राइट सिलेक्शन. देखिए, ऑप्शनल का इम्पॉर्टेंस, इसको
किसी भी व्यक्ति को अगर ये बोला जाए कि 250 नंबर के दो पेपर मतलब 500 नंबर टोटल आते हैं, टोटल मार्क्स, उसमें आपको जो है स्कोर करना है प्लस, इसमें अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन की जो रैंक है वो ऑप्शनल एसे राइटिंग, इन दो चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफाइंड होती हैं, और इंटरव्यू, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो आपकी रैंक है उसमें बहुत अच्छा जो है एक प्ले कर सकता है। तो ऑप्शनल उसमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जिसके साथ हमको एक बहुत सेफ प्ले करना है, है ना, बहुत सेफ प्ले करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ प्ले? सेफ प्ले क्या होता है? हम सोचते कि रिस्क लेंगे, अरे भाई रिस्क लीजिए आप, लेकिन सोच समझ के लीजिए। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पढ़ने से आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, देखिए बहुत से लोग, सबसे पहले मैं एक चीज़ और अच्छा बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं ये स्कोरिंग है ये नहीं स्कोरिंग है। क्यों भाई, UPSC ने आके बताया है? किसने स्कोर किया, उसकी मेहनत क्या हम जानते हैं? दो आदमी का आंसर राइटिंग का तरीका सेम हो सकता है क्या? तो हम कैसे जज कर लेते हैं कि 10 आदमी ने अगर ज़्यादा स्कोर कर लिया तो वो स्कोरिंग? आप देखिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अपीयर किए हैं, उसमें से कितने एस्पिरेंट्स ने वो ऑप्शनल लिया है, मटेरियल का कितने लोग को एक्सेस था, मेंटोर का कितने लोग को एक्सेस था, कितने के पास टीचर थे। देखिए ये UPSC है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन अगर ऑप्शन है तो सामने टीचर खड़ा हुआ है क्लास में और वो गाइड करेगा, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो वो अब आपको तय करना है कि हम सेफ प्ले कैसे, सेफ प्ले कब हो सकता है? जब हम टाइम की रिस्पेक्ट करें एंड टाइम को देखते हुए ऑप्शनल का सिलेक्शन करें। जब हम टाइम को देखते हुए, जैसे ही हम NCERT को कंप्लीट करते हैं, अगर आपने स्ट्रेटजी PT देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पे है। जैसे ही हम NCERT का फेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम स्टैटिक पोर्शन के मिड में हम ऑप्शनल को स्टार्ट कर देंगे, और अगर हम नहीं करेंगे, देखिए ऑप्शनल के सिलेक्शन में अभी हम उसका प्रक्रिया भी बात करेंगे, द वे इन विच यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट, द वे इन विच यू कैन एक्चुअली अवॉइड द कन्फ्यूजन बिटवीन 2 or 3 सब्जेक्ट्स, किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, किस तरीके से उसको मेजर करना है कि हाँ यही है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ऑप्शनल सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे जो चाहत है वो ऑप्शनल सिलेक्शन की है ना। तो हमको ये गेम को समझना है, देखिए अगर हम इस गेम को नहीं समझेंगे तो हम उसको प्ले नहीं कर पाएंगे। गेम को कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जब लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलना था तो वर यू कंफर्टेबल? आपको पहले से ही पता था कि वो बॉल फेंकेंगे, इसको बैट कहते हैं, वो विकेट है, और किस किस टाइप की बॉल होती है, क्या बॉल आपके बगल में ही खड़े होकर फेंक देते तो हो सकता है कि सर पे ही चोट लग जाती, वो डिस्टेंस से बॉल फेंकते हैं, है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ प्रैक्टिस का सेशन होता है, आप पहले ही प्रिपेयर करते हैं। लाइकवाइज आपकी UPSC की प्रिपरेशन भी वैसी है, ऑप्शनल का सिलेक्शन भी वैसे ही है। हमको रूल ऑफ द गेम को जानना है, रूल ऑफ द गेम। रूल ऑफ द गेम क्या है? रूल ऑफ द गेम वो है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर मैं अपनी बात करूं, कोई मुझे कहे कि आपको बर्गर खाना है, कोई कहे कि पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, हो सकता है मुझे वो चीज़ पसंद हो, तो क्या मैं बर्गर और पिज़्ज़ा इसलिए खाऊं कि मेरे सामने मेरा नेबर और मेरे गली में 10 लोग रहते हैं जो वो बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या मैं इसलिए खाऊं कि मुझे अच्छा लगता है? तो एग्जामिनेशन में दूसरे के कितने नंबर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंस बाद में कैरी करता है, पहले हम अपने माइंडसेट को क्लियर करें। और अपने माइंडसेट को क्लियर करने का क्या तरीका है? सेल्फ इवैल्यूएशन। आपको अपने अंदर झांकना है। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कौन सा ऑप्शन लो? या तो जब तक हम 1-to-1 टॉक नहीं करेंगे, सामने बैठेंगे नहीं, आपको इवैल्यूएट नहीं करूंगा, तब तक कोई नहीं बता सकता है। आपको अपना सिलेक्शन ऑप्शनल का स्वयं करना है, इवैल्यूएशन तो एटलीस्ट आपको करना है।
कन्फ्यूजन है तो उसमें हम लोग फिर इवेल्युएट करेंगे और जिसका पल्ला भारी होगा वो उस ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ का ना एक साइंटिफिक टेक्निक होता है किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने के लिए, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप 50 लोग की या 100 लोग की वीडियोस देखे हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल, आपको बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो बात करेंगे, सबकी बात में कुछ ना कुछ 2-4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, लेकिन डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन एजेंडा। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आप खुद करेंगे, जैसे कि ओवर द जर्नी जो आप करते हैं, जितनी भी छोटी जितनी भी लंबी आपकी यूपीएससी की जर्नी है, आपका मोटिवेशन आप खुद हैं, उसी तरीके से आपका इवैल्यूएशन आप खुद करोगे। कैसे दूसरा इवैल्यूएट कर सकता है? वी कैन ओनली बी अ पर्सन हु कैन यू नो हेल्प यू इन इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, बट इट इज़ यू हु इज़ गोना इवैल्यूएट योरसेल्फ, यू नो। अब वो कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंस हम समझ गए कि क्यों इम्पॉर्टेंस है। अब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, हाँ है, यस डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लगता नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 500 नंबर कैरी करता है पेपर वन पेपर टू ऑप्शन का, तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इतना मजाक नहीं है कि हम उसको एक अटेम्प्ट के बाद उसको चेंज कर दें, करते हैं लोग, बहुत से लोग चेंज करते हैं, स्पेशली वो लोग चेंज करते हैं जो कि पहले इवेल्युएशन करने में या तो कोई मिस्टेक होती है या अपने से बेस्ट करते हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको चेंज करना पड़ता है, वो इंडिविजुअल के प्रेफरेंस के ऊपर होता है, उसके ऊपर मैं नहीं कुछ बोलूँगा। मैं सिर्फ ये चाहूँगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि एक बार सेलेक्ट वंस और चेंज करने का तभी सोचें जब आपको वाकई में लगता है कि आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसे भी लोग हैं जो कि प्री और मेंस के बाद जो है इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए कि प्री के बाद ऑप्शनल को चेंज करना और चीज़ों को फिर से तैयारी करना। तो इट्स बेटर, सूनर द बेटर, जितने जल्दी हम प्रयास करेंगे उतने जल्दी हम उस चीज़ में निपुण होंगे, उतने जल्दी हम उस चीज़ में यू नो एक कंप्लीट कमांड हमारी होगी। तो कमांड इज़ नेसेसरी। तो इसमें हम सबसे पहले कैसे जज करें कि वो मेरे लिए सिलेबस है कि नहीं है? तो हमको एक अवेयरनेस चाहिए। आप पूछोगे किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए, मैं कहूँगा सिलेबस फर्स्ट की अवेयरनेस चाहिए। हम फैंटेसी की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हमको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, हम एक बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका हमको उसी के हिसाब से कार्य करना है, हमको अवेयर रहना है। किस चीज़ का अवेयर रहना है? सिलेबस। डोंट गो विद द ट्रेंड ओनली, ट्रेंड आपको प्रेरित कर सकता है, इवैल्यूएट आप करोगे। और ट्रेंड कुछ नहीं होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो सेलेक्ट हो रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जिन्होंने सिलेक्शन हुआ सिर्फ वही पढ़े, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो पढ़े ही नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम कैसे ऑप्शनल को इवैल्यूएट करें? फर्स्ट स्टेप इज, पहला आपका जो पड़ाव है वो है सिलेबस का। हमको सिलेबस देखना पड़ेगा सर एंड मैम, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिलेबस देखने के बाद अनलेस वी नो द पाथ वी कांट ट्रेवल ऑन इट। तो हम पहले सिलेबस देखेंगे और फिर अपना पाथ, फिर वही एग्जाम्पल जो हमारी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, अगर हम गोरखपुर टू बैंगलोर ट्रैवल करना है, जीकेपी टू बीएलआर, अगर हमको गोरखपुर टू बैंगलोर ट्रैवल करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आप हैं, आप दिल्ली रह रहे हैं, आप पटना रह रहे हैं, आप गुवाहाटी रह रहे हैं, कहीं से भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो आप वो चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? आपके माइंड में एक आता है ना कि यहाँ से निकलेंगे ऐसे जाएंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर यू नो अगर भूख लगेगी तो फलाने ढाबे पे खा लेंगे, या इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वे, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक मैपिंग करते हो ना अपने दिमाग में, वही मैपिंग आपको ऑप्शनल के लिए भी करनी है, वही मैपिंग आपको अपने स्ट्रैटेजी के लिए भी करनी है। तो फिर आपको पाथ, देखो हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ, फिर इधर गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर इधर नहीं, तो इसमें क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट
क्या आप अफोर्ड कर सकते हो यूपीएससी की तैयारी में टाइम वेस्ट करना? मेरे हिसाब से तो नहीं, वेरी बैड ऑप्शन, वेरी वेरी बैड ऑप्शन। तो हमको पहले जो भी, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर से नेम दे रहा हूँ, जो भी सिलेबस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल थ्री सब्जेक्ट्स है ना, थ्री सब्जेक्ट्स में मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि यार मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, हिस्ट्री तो यार बहुत अच्छी लगती है, ज्योग्राफी भी काम चलाया जा सकता है, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करें, आप उसका सिलेबस खोलिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है सिलेबस। सिलेबस खोलेंगे तो हम क्या होंगे, सिलेबस खोलने के बाद हमको टॉपिक्स का पता चलेगा, है ना, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इस पेपर वन पेपर टू में हमको कवर करना है। उसमें क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं एक माइंड फ्रेम जो है एक सेट हम करेंगे, है ना। अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने एग्जांपल है गोरखपुर टू बैंगलोर, तो गोरखपुर टू बैंगलोर में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे या कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, वो जब हम मैप खोलेंगे तभी, हो सकता है हमको ढाबे का नाम ना दिखाए, हो सकता है हमको पेट्रोल पंप का नाम ना दिखाए तुरंत, लेकिन बहुत जूम करेंगे तो दिखेगा, लेकिन इनिशियली क्या दिखेगा, मेजर सिटीज दिखेंगी। तो उसी तरीके से जब आप सिलेबस खोलोगे तो आपको मेजर टॉपिक्स दिख जाएंगे। अब हो सकता है हम टॉपिक के बारे में जानते हैं नहीं जानते नहीं, लेकिन अब तक आप करंट अफेयर्स, हिंदू न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिल गया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। तो आप एटलीस्ट 10-25%, 30% चीज़ों को जब रीड करोगे तो आपको समझ में ये तो आएगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। उसके बारे में अगर बोल दिया लिखने को, तो हो सकता है कि आप लिख पाओ ना लिख पाओ, दैट्स अ डिफरेंट, आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेबस देखना है, है ना। बिकॉज क्यों सिलेबस देखना है, क्योंकि आपको अगर रात के बीच में भी उठा दिया जाए तो आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हों। जैसे कि रात के बीच में अगर आपके फेवरेट फूड कोई भी चीज़ है, आपको पास्ता पसंद है, मैगी पसंद है, या कोई भी चीज़ पसंद है, जो भी है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो भी आपका फेवरेट फूड है, अगर आप उसको रात में उठ के खा सकते हो, तो उसी तरीके से आपका ऑप्शन, ऐसा दोस्त आप, एक तरीके से आपका फ्रेंड है वो, इस तरीके से वो रहेगा आपके साथ कि वो आपका फ्रेंड है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करेगा। इसी तरीके से जैसे आपका फेवरेट फूड खाने के बाद आपको मूड रिफ्रेश हो जाता है, ऑप्शन पढ़ने के बाद आप थकेंगे नहीं, चाहे भले ही हेक्टिक डे हो, कितना भी थकान भरा दिन हो, बट आप उसको पढ़ने के बाद आपको रिफ्रेश होना है, उसको पढ़ने के बाद आपको रिफ्रेश होना है। आपके लिए ये कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए, ये आपका फ्रेंड है, यूपीएससी की जर्नी आपका एक फ्रेंड, एक परिवार की तरह से होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट से आपको सीखने को मिलता है ना, एंड रिजल्ट कुछ भी हो, सिलेक्शन आज हो जाए कल, लेकिन हमको उसको बहुत पॉजिटिव नोट में आगे लेके चलना है। अब सबसे बड़ी बात आती है सिलेबस खोला, सिलेबस खोलने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी में भी अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री में अच्छी लग रही है, एंथ्रो में तो यार बहुत दिन से बहुत स्कोरिंग, कोई बोलता है, कोई बोलता है मैथ्स भी स्कोरिंग होती है, कोई कहता है कि हिंदी साहित्य बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना होता है। लेकिन हम ये स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं, सिर्फ सिलेबस देख के, या चार लोग के वीडियोस देख के, या अपने हॉस्टल के अंदर बच्चों को सुन के? हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, मेरा फेवरेट फूड कुछ हो सकता है, मेरे फ्रेंड का फेवरेट फूड कुछ और हो सकता है, उसी तरीके से मेरा चोजन सब्जेक्ट कोई और हो सकता है, मेरे फ्रेंड का, मेरे नेबर का, मेरे रूममेट का, मेरे कोई भी, मेरे कोचिंग में मेरे साथी का अलग हो सकता है। तो सेम टेस्ट नहीं है, सेम टेस्ट पढ़ाई में हो ना हो, दोनों ऑप्शन हो सकता है। उसमें हमको जज करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन, जो मैं इस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट दैट, उसको आप मत भूलें। तो अगर आपका सिलेबस देखने के बाद कन्फ्यूजन है और आप दो या तीन सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, या एक ही सब्जेक्ट है दिमाग में लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्टेंस किस चीज का, कि आई हैव चोजन द राइट सब्जेक्ट। जब हम कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है, हमको पता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ाने में भी पढ़ने में भी, मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस था। अब अगर किसी को एक ही है, मेरा एक ही ऑप्शन था, मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लेना है, मैंने वही लिया। लेकिन अगर आपके पास चाहे एक सब्जेक्ट दिमाग में हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो हम एक अगर है तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे करें, दो है तो कैसे इवैल्यूएट करें, तीन है तो उस जंग को कैसे पार करें। तीनों ऑप्शन हम यहाँ लेके चलेंगे, ओके। तो अगर हम एक पे हैं, दो पे हैं, चाहे तीन में हैं, हमने सिलेबस देख लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग ने सिलेबस देख लिया है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेबस हमने चाहे एक का देखा, चाहे दो का देखा, चाहे तीन सब्जेक्ट का देखा, देख लिया है, वो हमारे पास है, हमने समझ लिया क्या क्या है, तीनों में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं किससे पूछें, क्या पूछें, परेशान, ठीक। सबसे पहले रिलैक्स, चैन की सांस लीजिए, है ना, चैन की सांस लीजिए, कल ही आपको एग्जाम नहीं देना है, इसीलिए ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करते हैं, बाद में नहीं, ना प्री के बाद, ना प्री के दो महीना पहले, है ना। तो आपका एक टाइम है तब आपको सेलेक्ट करना है, आपके अगर 12 महीने की जर्नी है तो दो महीने, ढाई महीने, तीन महीने के बाद हम ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्शन का प्रक्रिया ऐसे शुरू होगा। पहले हम रिलैक्स हों, कब, सिलेबस देखने के बाद, सिलेबस देखने के बाद हम रिलैक्स होंगे और लुक करेंगे, फिर से रीड करेंगे, क्या, सिलेबस, सिलेबस देखा एक बार, 10 बार 20 बार जब भी रीड किया कोई बात नहीं, तीनों रीड कर लिया, अब हम लंबी सांस लें, रिलैक्स, एग्जाम ही है ना, हो जाएगा, क्लियर होगा, आप अगर कॉन्फिडेंट होगे, राइट सिलेक्शन करोगे, आज अगर एक दिन बर्बाद भी जाए कोई बात नहीं, आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बैक फुट पे नहीं आना है। तब हमको क्या करेंगे, हम फिर से सिलेबस रीड करेंगे, कुछ चीज़ें जो पहले की पढ़ी हुई हैं वो फिर से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, कुछ चीज़ में, कुछ चीज़ में लगा, अरे यही तो है, अरे इसी का तो इंतज़ार था, कुछ चीज़ ऐसी लगी, कुछ चीज़ लगी, अरे अरे तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ को एग्ज़ाम थोड़ी अभी देना है तुरंत। तो सिलेबस हमने अब यहाँ पे सेकेंड टाइम रीड किया, फर्स्ट टाइम एक बार रीड किया, रिलैक्स किए, फिर से देखा, क्या, सिलेबस सेकेंड टाइम। अब मेन जो पड़ाव है, मेन जो इवैल्यूएशन है, लास्ट 25 साल का पेपर, लास्ट 25 साल का, ट्रस्ट मी, आप सुन के हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन जो भी बच्चा लास्ट के 25 साल का मेंस का पेपर, परफेक्ट आंसर राइटिंग, परफेक्ट एस्से राइटिंग, परफेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो करा होगा स्टिपुलेटेड टाइम में, जिस बंदे ने या जिस भी पर्सन ने प्री को क्लियर किया है, मेंस तक पहुंचा है, आंसर राइटिंग और उस टाइम मैनेजमेंट के साथ हम सारे आंसर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं, डायग्राम, अंडरलाइनिंग और पाई चार्ट, फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपके चांसेस एग्जाम क्लियर करने के बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। उसको अगर हम सही डायरेक्शन में यूज करेंगे, तो अब यहां पे लास्ट 25 साल का क्वेश्चन हमको देखना है, यहां पे भी हमको वी डोंट हैव टू सॉल्व, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वी डोंट हैव टू सॉल्व, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, रीड, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पिछले 25 साल के पेपर को, चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को उठा के 25 साल का पेपर हमको देखना है, सिर्फ देखना है। फर्स्ट ईयर खोला, पलटा, अच्छा,
अच्छा यहाँ ये पूछा है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अच्छा ये देखो मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ बात चल रही है, अच्छा देखो करंट अफेयर से कैसे इंटरलिंक किए, ओके हाँ 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 देखो एलपीजी जब आया तब किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हुआ, उस समय प्लानिंग कमीशन क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, किसकी गवर्नमेंट थी, क्या है? तो कहीं ना कहीं जैसे आप जब करंट अफेयर्स एनसीईआरटी ये सब पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन आपने शुरू कर दिया है, तो आपको यहाँ इवैल्यूएट आंसर्स को नहीं करना है, रीड करना है, पहले एक बार रीड करना है। इसी तरीके से 25 साल का एक सिलेबस कंप्लीट किए, एक सब्जेक्ट का, दूसरे का कंप्लीट किए, तीसरे का कंप्लीट किए, और अगर एक ही ऑप्शन है तो एक का करिए, दो ऑप्शन है तो दो का करिए, मतलब जितने ऑप्शन है उसको रीड कर लिया। अब ओनली रीडिंग इज रिक्वायर्ड, है ना, ओनली एंड ओनली रीडिंग। उसके बाद अब जैसा मैंने बोला था, बहुत पहले हमने सिलेबस देखा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा 25 साल का 25 ईयर्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले के सालों में आए हुए क्वेश्चन इजीली हमको, या तो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि लास्ट 25 साल का पब्लिश करते हैं वो, या ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो 25 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हमने रीड किया, थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप पे हम अपना कंफर्ट लेवल जज करेंगे, कंफर्ट लेवल अपना जज करेंगे। कैसे जानेंगे कंफर्ट लेवल, भाई पढ़ाई में कंफर्ट लेवल क्या होता है आप बताइए, पढ़ाई में कंफर्ट लेवल क्या होता है, जिस चीज़ को पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे, हाँ यार, अब कोई बोल दे कि एकदम कोई किसी चीज़ से इंटरलिंक ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, उसके लग रहा है एकदम स्क्रैच से भी कोई चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा आ रहा है तो करिए, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, कंफर्ट नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन पढ़ रहा है तो एकदम बाउंस मार रहा है, तब फिर एक उसको ऑप्शन में रखना 1, 2, 3 में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि करें क्या, करना ये है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है, जो भी अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है, सिलेबस रीड कर लिया दो बार नहीं समझ में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 साल के देख लिए एक बार दो बार नहीं समझ में आया, तो फोर्थ ऑप्शन यही है, आपको रिलेवेंट बुक्स को रीड करना पड़ेगा, रिलेवेंट बुक्स को रीड करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब आपको रिलेवेंट बुक्स ईजिली पता चल जाएंगे, नहीं पता आप हमसे पूछ लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट का, हम बता देंगे। रिलेवेंट बुक्स को आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। अब इस समय तक अगर आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दो है तो भी ठीक, अभी भी अगर आप 3 पे हैं तो भी ठीक। अब इससे ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिल सकती है जब आप खुद सब कुछ देखने के बाद उस बुक को रीड करेंगे। जैसे आमतौर से पेपर 1 की कुछ बुक्स हैं जो कि एक स्टैटिक बुक्स में उनको माना जाता है कि ये 3-4 राइटर्स हैं या पब्लिकेशन है उनकी बुक पढ़नी है, इसी तरीके से पेपर 2 के लिए भी होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्शन में चूज करते हैं उनकी जो रिलेवेंट बुक्स हैं उसको हम रीड करेंगे, और हम उस पे एक बुक पे हम उतना ही समय देंगे, हम एटलीस्ट ये सारा प्रोसीजर अगर आप एक सही टाइम पे शुरू करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन दे सकते हैं, आप 15 से 20 दिन आप दे सकते हैं इसमें, चाहे एक सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो कि यही लेके चलूं कि ना चलूं, चाहे 2 सब्जेक्ट पे हो चाहे 3 में हो, 15 से 20 दिन के अंदर आपको कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाई भी शुरू करनी है, हमको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना, हमको पढ़ाई भी शुरू करनी है। स्टेप 1, फिर से मैं रिपीट करूंगा, सिलेबस
सिलेबस दो बार रीड करना, स्टेप टू 25 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेप थ्री कंफर्ट लेवल को अपने जज करना, स्टेप फोर रिलेवेंट बुक को रीड करना, जो भी उस ऑप्शनल की जो प्रिफर्ड बुक्स है कहीं ना कहीं मार्केट में देखिए हर जगह मिल जाती है, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, मैं ही बता दूंगा। लेकिन जो कायदे की एक बुक है, ईजी लैंग्वेज वाली जो बुक है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस बुक को पढ़िए। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आप अगर शुरू के 5 चैप्टर भी पढ़ लेंगे, है ना, 5 चैप्टर्स, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि पूरा ऑप्शनल की तैयारी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की कर लीजिए, फिर पूरे ऑप्शनल की तैयारी हिस्ट्री कर लीजिए, फिर पूरे ऑप्शनल की तैयारी ज्योग्राफी कर लीजिए, फिर इवैल्यूएट करिए, वो तो काम बहुत दिक्कत का हो जाएगा। फिर हम जीएस एसए एथिक्स कब प्रिपेयर करेंगे? तो चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट रखना है, कहीं आके आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं आके आपको स्टे करना पड़ेगा, आपके ब्रेन को कहीं रुकना पड़ेगा। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी मेहनत से ही ये जंग जीतेंगे, आप खुद अपनी मेहनत से ही एग्जाम क्लियर करेंगे। मैं क्या कोई आपको नहीं करा सकता, आपकी अपनी मेहनत ही आगे लेके जाएगी। इसी तरीके से हमने जैसे 25 साल शंभू के सारी चीज़ें देखा, इसको मैंने स्टेप पे भी बताया। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ रही है मैं बात क्या कह रहा हूँ, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से हमको गो अहेड जाना है। और आप जब उस पड़ाव पे पहुंचे कि आप हिंदू न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ये तीन करके एनसीईआरटी कंप्लीट करके स्टैटिक का 1 से 1.5 महीना निकल गया है, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन शुरू हुए 3 से 4 महीना हो गया है, तब हम इस ऑप्शनल पे 15 से 20 दिन देंगे उसको सेलेक्ट करने का। और ऑप्शन अच्छे से करेंगे तो ईजिली हम उसको 60 to 80 days में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसको हमको अपने प्री के कम से कम 5 से 6 महीने पहले ऑप्शन को ख़त्म कर देना है। हम क्यों वेट करें बाद का, हम आज ख़त्म करेंगे ना, आज से प्लान करेंगे। तो आज ख़त्म करने का मतलब है जब हम प्लान कर लेंगे तो वो स्ट्रैटेजी यूज़ भी कर लेंगे, आज हम प्लान तो कर लें। इस तरीके से 4 स्टेप के अंदर पूरी कहानी है आपके ऑप्शनल की। और एक चीज़ और है, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स का एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं अगर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मुझे इंजीनियरिंग का ऑप्शन लेना चाहिए, अगर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मुझे मेडिकल साइंसेज लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेनी चाहिए, क्या मुझे ज्योग्राफी लेनी चाहिए, वो 10 टॉपर शुरू के ये लिए हैं तो क्या मैं भी ले लूँ, वही वाला एग्जाम्पल है। उनको अगर सैलड नहीं पसंद है, रशियन सैलड या सीजर सैलड या थाई सैलड, तो हो सकता है आपको पसंद हो। उनको अगर रोटी नहीं पसंद है, हो सकता है आपको पसंद हो। तो आप किसी चीज़ को अपने हिसाब से इवैल्यूएट करें तो बेटर होगा। हो सकता है आपके लिए ब्लू कलर अच्छा हो, किसी और के लिए ना हो, हो सकता है उनके लिए अच्छा हो रेड, आपके लिए ना हो। तो कैसे हम दूसरे की थिंकिंग और मार्क्स से अपने मार्क्स को जोड़ सकते हैं, ये पता नहीं, आई डोंट नो। बहुत से इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कि इस टाइप के क्लेम करते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। मुझे लगता है हम जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं, अगला कितना भी स्कोर कर ले, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो मैं उसमें स्कोर कैसे करूँगा। क्या UPSC ने तो कभी नहीं बोला मेरे हिसाब से कि ये अगर लोगे बेटा तो बहुत अच्छे नंबर देंगे, ये नहीं लोगे तो नंबर नहीं देंगे। अगर नहीं बोला तो कौन बोल रहा है ऐसी बातें। आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, चाहे वो उसमें बनाएंगे जिसमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं आपके हिसाब से, चाहे उसमें बनाएंगे जिस आपके हिसाब से, ये बट कंफर्टेबल रीड करिए, इवैल्यूएट करिए, गो अहेड करिए। अब आता है ग्रेजुएशन, क्या करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है, इसको पहाड़ मत बनाइए सर, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शंस हम लेके पहले चल रहे थे, 1 एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का, उसमें आप चाहें तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यू हैव टू कीप इट। बहुत से लोग हैं जो ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन में BBM किया था लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। तो बहुत से लोग हैं जो कि कुछ भी करते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उनका UPSC का जो ऑप्शन सब्जेक्ट होता है वो अलग होता है। तो वो हमको जज करना है, इसी बेसिस पे, उन्हीं स्टेप्स पे आपको स्टेप 1
टू स्टेप फोर पे उसको जज करना पड़ेगा, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो चाहे ना हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लोगे तो फिर मदद मिल जाएगी या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लोगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में हम कंफर्टेबल हैं तो हम उसके साथ जाएंगे, हम नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। डू वॉट यू लाइक, फिर वही बात है, चाहे कलर की हो, चाहे फूड की हो, चाहे पाथ की हो, कुछ भी हो, आपको जो पसंद है वो ना मैं ना कोई बता सकता। यू हैव टू सेलेक्ट एंड गो अहेड, यू हैव टू गो अहेड। है ना, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे लेके चलना है। और इस वीडियो को जो ऑप्शनल का जो प्ले है इसको यू नो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन एग्जामिनेशन है, कितने नंबर आते हैं, क्या आते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सिलेक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करता है, हमने डिस्कस किया। सेलेक्ट कैसे करना है, हमने डिस्कस किया। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना, हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ रहा हूँ। आपके हिसाब से अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप जो भी चीज़ फॉलो करिए, चाहे हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, किसी और की फॉलो करिए, बट एक फॉलो करिए एंड उसी को गो हेड करिए, आगे लेके चलिए। टाइम इज लिमिटेड, एज आई ऑलवेज से इट विल फ्लाई लाइक विंड। तो गो हेड, डू योर बेस्ट, आप करके दिखाएंगे, ऐसा विश्वास मन में रखना है और करके दिखाना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।